उत्तर नागपुर क्षेत्र में प्रतीत हो रही भीषण जल समस्या के मद्देनजर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा शहराध्यक्ष प्रशांत पवार एवं युवा अध्यक्ष रवि पराते के नेतृत्व में मनपा कार्यालय पर मोर्चा निकाला गया। दरअसल तपती धूप एवं अनियमित जल उपलब्धता के कारण उत्तर नागपुर क्षेत्र अंतर्गत आने वाले समता नगर, गुलशन नगर आदि क्षेत्र में भीषण जल समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ न उचित पाइपलाइन है और न ही टैंकर की सुविधा मुहैया कराई जा रही है, जिससे चिड़ी जनता ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहराध्यक्ष प्रशांत पवार एवं युवा अध्यक्ष रवि पराते के नेतृत्व में मनपा कार्यालय पर मोर्चा निकाला, जहां सीडब्ल्यू एवं मनपा प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई, साथ ही साथ मटका फोड़कर विरोध जताया गया। इस समय जानकारी देते हुए राका शहराध्यक्ष प्रशांत पवार एवं युवाध्यक्ष रवि पराते ने क्षेत्र की समस्या एवं प्रशासन की लापरवाही उजागर की है। दर्शकों, तपती गर्मी के बीच जो है उत्तर नागपुर क्षेत्र में बड़ी मात्रा में पानी की समस्या जो है आ रही है, जिसके चलते राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शहर द्वारा यहां तीव्र आंदोलन किया जा रहा है मनपा के समक्ष। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष प्रशांत पवार जी। क्या बताना चाहेंगे, क्या समस्या है उत्तर नागपुर क्षेत्र में, क्या बताना चाहेंगे? उत्तर नागपुर शहर में पानी की बहुत गंभीर समस्या है, जो 5 साल से वहाँ पे पानी की लाइन डाली हुई है, लेकिन अभी तक के कोई भी घर को उन्होंने कनेक्शन नहीं दिया है। उसका कारण है ये टैंकर लॉबी, जो टैंकर लॉबी करोड़ों रुपए का बिल नागपुर महानगर पालिका से वसूल करता है और उसमें महानगर पालिका के ऑफिसर पूरे के पूरे इन्वॉल्व है। ये पूरा भ्रष्टाचार का एक प्रकार के ये तुम्हारा कारोबार चल रहा है और उसके चलते हुए बेचारे गरीब लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। उसके खिलाफ आज हमने नागपुर महानगर पालिका के ऊपर में मोर्चा लाया है। हम कमिश्नर साहब को और 2 दिन का समय देंगे। अगर कमिश्नर साहब ने उसको पानी अगर 2 दिन में नहीं चालू किया और टैंकर लॉबी अगर बंद नहीं किया तो हम अभी पानी मांगने आए, उसके बाद में हम कमिश्नर साहब को पानी पिलाने के लिए आएंगे और उग्र आंदोलन करेंगे, ऐसी हम चेतावनी देते। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के युवा नेता रवि पराते। क्या बताना चाहेंगे, उत्तर नागपुर क्षेत्र में जल की समस्या काफी मात्रा में जो है प्रतीत हो रही है, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, पिछली बारी नागपुर महानगर पालिका में ये जो माता बहनें उत्तर नागपुर और समता नगर से जो आई है, इन्होंने माननीय आयुक्त साहब को मिलकर अपनी समस्याएं बताई थी और माननीय आयुक्त साहब ने बताए थे कि मैं खुद वहां पर दौरा करके आपकी सारी जो पानी की समस्याएं हैं वो OCW और जल प्रदाय विभाग को बताकर वो जल्द से जल्द हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। इलेक्शन का बहाना देखकर मनपा आयुक्त ने कोई भी ऐसी कार्रवाई, ऐसा कोई भी काम वहाँ की जनता को उसमें से कुछ फायदा मिले, ऐसा कुछ भी किया नहीं है। हम यहाँ पर यह जो महिलाएं आई है, ये महिलाएं वहाँ से उत्तर नागपुर से चलकर आए हुए हैं, पैदल मोर्चा निकाल के पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं, पानी के लिए रोज मर रहे हैं। वहाँ पर इतना गंदा पानी आ रहा है और माननीय आयुक्त साहब क्या वहाँ पर सोए है क्या? आयुक्त साहब ने जल्द से जल्द OCW हो या फिर वो जल प्रदाय विभाग के अधिकारी हो, उनको सस्पेंड कर देना चाहिए। ऐसे अधिकारियों की वहाँ पर जरूरत क्या है जो लोगों को पानी ना दे सकते हो? खुद माननीय आयुक्त साहब ने बताया था कि मैं खुद वहां पे दौरा करूंगा। मुझे आशा है कि माननीय आयुक्त साहब से मिलने के बाद में आयुक्त साहब इस पर पॉजिटिव रिप्लाई देकर कल ही वहां का जगह का दौरा करेंगे और पानी की समस्या दूर करेंगे। इस समय स्थानीय महिलाओं ने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि उचित जल वितरण न होने से हमारी रोजमर्रा के कामकाज ठप हो चुके हैं, न पीने को पानी है, न बाहरी कामकाज को है। इतनी बार शिकायत करने पर भी मनपा इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। बहरहाल इस वक्त शहराध्यक्ष प्रशांत पवार ने OCW कर्मचारियों से बातचीत भी की, जहां उन्होंने उनकी अल्टीमेटम की याद उन्हें दिलाई। इस समय जल समस्या से ग्रसित महिलाओं ने अपनी समस्या BCN के माध्यम से रखी। साथ ही साथ कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, क्या बताना चाहेंगे, किस प्रकार की जो है समस्या है आपको प्रतीत हो रही है? हमारे इधर पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। हमारे को यहाँ पे आश्वासन दिया था कि हम 15 तारीख को आएंगे मार्च महीने में, लेकिन नहीं आए। हमको डबल से यहाँ पे आंदोलन लेके आना पड़ा और अभी टैंकर का पानी जो है आ नहीं रहा है हमारे इधर, और अभी बरसात का मौसम चालू हो जाएगा, टैंकर भी बंद हो जाएंगी, पानी कहाँ से लाएंगे हम? यही समस्या है। और रोड हमारे इधर के पानी पानी नहीं, रोड हमारे में हम लोग अभी 17 साल से समता नगर में रह रहे हैं,
हमारे इधर अभी 2-3 साल का जमाना हो गया, नल की लाइन डाल दिए हैं, लेकिन हमको पानी नहीं मिल रहा है। हमारे बोरवेल में भी पानी नहीं आता और टैंकर वाले भी बराबर पानी नहीं ला के दे रहे हैं हमको। अभी हमारे इधर पूरा कीचड़ रहता है, अभी बारिश में हम लोग कहाँ से पानी भरेंगे। चलता नहीं है जी, सड़क ना है तो पड़ लो तो है दुखते मावाला कंधा हाथा तो बूटे नहीं अच्छा दुखते है तो सड़क ना है तकाई ना है बात नहीं। भैया गुलशन नगर में तो 4 साल हो गए पाइपलाइन डली है, लेकिन बोले कि चालू करेंगे करके। इसके पहले भी मोर्चा लाए थे, हमको ऐसे आश्वासन दिए, लेकिन वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, ना गटर लाइन है, ना नल लाइन है, ना काई की सुविधा नहीं है, रोड की भी नहीं है। और इतने जनता परेशान होती कि हम लोग टैंकर पे बैठ बैठ के टैंकर लाते, वहाँ टैंकर भी नहीं आते, पर पानी की भी नहीं है, गटर लाइन। हमको बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है, हमको काम धंधे छोड़ छोड़ के पानी के लिए इसके उसके घर जाना पड़ता है, लेकिन कोई कब तक के देगा पानी। लेकिन जनता की कोई सुनवाई नहीं है, सब जन बोलते कि हाँ हम लोग आज करेंगे कल करेंगे, ऐसे कर करके मदद कई साल हो गए, लेकिन वो जनता आदि झूला रही है, लेकिन कुछ भी समाधान नहीं हो रहा है। लेकिन उसका कुछ तो भी समाधान हो या कुछ हल हो, इसीलिए हम लोग यहाँ तक आए। तो जनता जब यहाँ तक आ रही चल के, तो कुछ तो भी उसका समस्या हो, लेकिन दिलासा देते हो, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने देखा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा जो है मनपा के समक्ष भीषण जल समस्या के चलते आंदोलन किया जा रहा है। उत्तर नागपुर क्षेत्र से जो ये महिला यहाँ मौजूद है, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, महिला यहाँ मौजूद है, यहाँ जो है मटके फोड़ कर आंदोलन किए गए हैं, मटके फोड़ कर यहाँ आंदोलन किए गए हैं, और काफ़ी जो है बड़ा जो असंतोष है जनता के मन में व्यक्त किया जा रहा है। और जिस प्रकार से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी यहाँ मौजूद है, और महानगर पालिका आयुक्त तो अभिजीत चौधरी को ज्ञापन सौंपा जाने वाला है, और जिस प्रकार से विभिन्न तरह की नारेबाजी की जा रही है, उत्तर नागपुर क्षेत्र में भीषण समस्या जल की प्रतीत किसी भी रूप से ध्यान नहीं, ऐसा कहना है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पदाधिकारी का, साथ ही साथ जो है महिलाओं का, साथ ही साथ जनता का। कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ मैं मनीष टिमरी, NBC न्यूज के लिए नागपुर। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com।